नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों वायरल फीवर बड़ी तेजी से फैल रहा है। आज हम वायरल फीवर को खत्म करने के ऐसे घरेलू और अचूक उपाय बता रहे हैं जो कि आप घर पर कर सकते हैं और वायरल फीवर को मात दे सकते हैं। इस सीजन में वायरल फीवर बहुत तेजी से फैलता है, इससे बचने के लिए घर पर ही कुछ उपाय होते हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा असर सेहत पर पड़ता है। वायरल फीवर हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। वायरल फीवर वायरल के संक्रमण बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे स्थान इंसान तक पहुंच जाते हैं। आइए जानें वायरल फीवर के लक्षण और इससे बचने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। वायरल फीवर के मुख्य लक्षण, वायरल होने से शरीर में कुछ इस तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द के साथ उल्टी और दस्त होना, थकावट होना, आंखों का लाल होना और माथे पर बहुत तेज गर्म होना आदि। यह सभी कारण वायरल फीवर के लक्षण होते हैं। यह बड़ों के साथ बच्चों में भी तेजी से फैलता है। इसके उपचार के लिए आपको इन चीजों को अपनाना चाहिए। पहली चीज है हल्दी और सौंठ का पाउडर। अदरक और हल्दी में और सौंठ में एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो बुखार को ठीक करते हैं। एक चम्मच काली मिर्च का चूर्ण, एक छोटी चम्मच हल्दी का चूर्ण और एक चम्मच सौंठ यानी अदरक के पाउडर को एक कप पानी और हल्की सी चीनी डालकर गर्म कर लें। जब यह पानी उबलने लगे उसके बाद आधा रह जाए तो इसे ठंडा करके पिए। इससे वायरल फीवर को जल्दी आराम मिलता है। दूसरी चीज़ है तुलसी का इस्तेमाल। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जिससे शरीर के अंदर वायरस खत्म होते हैं। एक चम्मच लौंग के चूर्ण और 10 से 15 तुलसी के ताजे पत्तों को 1 लीटर पानी में डालकर इतना उबालें जब तक ये सूखकर आधा न रह जाए। इसके बाद इसे छाने और ठंडा करके हर 1 घंटे में पिए। आपको वायरल से जल्द ही आराम मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरी चीज है धनिया की चाय। धनिया सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, इसलिए वायरल बुखार जैसे कई गंभीर रोगों को ठीक करती है। यदि आपको वायरल फीवर हो रहा है तो धनिया की चाय जरूर पिए, इससे आपका वायरल फीवर जरूर ठीक होगा। चौथा है मेथी का पानी। आपके किचन में मेथी तो होती ही है। मेथी के दानों को 1 कप में भरकर इसे रात भर के लिए भिगो लें और सुबह के समय इसे छानकर हर 1 घंटे में पिए, जल्द ही आराम मिलेगा। पांचवी चीज है नींबू और शहद। नींबू का रस और शहद भी वायरल फीवर के असर को कम करते हैं। आप शहद और नींबू का रस का सेवन कर सकते हैं, यह आपके वायरल फीवर को जल्द ही ठीक कर देगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि यदि वायरल फीवर आपको हो रहा है तो इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। यदि इन घरेलू उपायों को अपनाने के बाद भी आपका वायरल फीवर नहीं जा रहा तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये और दूसरी बीमारी भी हो सकती है। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।